जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, CDSU 2022 के बाद में FCAT 2 2022 का भी रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिली है 157। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का असर जो है FCAT की कट ऑफ पर आपको देखने को मिलने वाला था, और जो कि देखने को मिला भी है। यहाँ पर अगर हम पहले कैंडिडेट की बात करें तो इनका स्कोर बन रहा था 154, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो गया 166। तो यहाँ पर कट ऑफ इन्होंने क्लियर कर ली। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका स्कोर बन रहा था 156, 157, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कम हो गया और वो कट ऑफ से बाहर हो गए। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका स्कोर बन रहा था 167, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कम हो गया 164.9। इसी तरह से यहाँ पर आपके नेक्स्ट कैंडिडेट हैं, इनका स्कोर यहाँ पर 144 बन रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद में कम हो गया 139.84। अभी कुछ ऐसी शिफ्ट भी थी जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद में 12, 13, 14 मार्क्स भी यहाँ पर बढ़े हैं। अगर यहाँ पर इनके मार्क्स बढ़ जाते 144 के बाद में, तो इनका स्कोर भी कट ऑफ से ऊपर चला जाता। लेकिन बात क्या आती है लास्ट में कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते कि कौन सी शिफ्ट में हम बैठेंगे, वहाँ के जो टॉपर बच्चे होंगे उस शिफ्ट के, उनका स्कोर कितना आएगा, आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला डिसाइड करता है कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, कौन सी शिफ्ट आपकी ईजी थी। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का असर तो हमें डेफिनेटली देखने को मिला है। आप अपने मार्क्स हमारे साथ में शेयर कीजिए, हमें बताइए कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया था, आपने यहाँ पर एग्जाम क्लियर किया है या नहीं किया, नॉर्मलाइजेशन का क्या असर आपको देखने को मिला है आपके रिजल्ट के ऊपर। एक बार डाटा हमारे पास में आ जाएगा ना, तो उसे एनालाइज करने के बाद में आपको आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी ऐसी शिफ्ट्स है जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, और कौन सी ऐसी शिफ्ट्स रही हैं जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स आपके कम हुए हैं। तो जो आपका FCAT का स्कोर कार्ड है ना, उसे हमारे WhatsApp नंबर के ऊपर शेयर ज़रूर कर देना, और अभी कर देना, देरी मत करना। इसके अलावा CDS की कट ऑफ वीडियो भी अभी आएगी, FCAT की नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको यही इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप CDS 1 2023 क्लियर करना चाहते हैं, FCAT 1 2023 क्लियर करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो आपको कोर्सेज मिलेंगे ना, वो पॉकेट फ्रेंडली रहने वाले हैं, अफोर्डेबल स्मार्ट कोर्सेज रहने वाले हैं। अब CDS और FCAT की तैयारी आपकी जेब के ऊपर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगी, आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करवाएंगे। टारगेट हमारा ये है कि अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से हम CDS और FCAT का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, और बिना कट ऑफ की परवाह किए A to Z आपको यहाँ पर सब कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वीडियो लेक्चर्स है, चाहे नोट्स है, करंट अफेयर्स है, सेक्शनल मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है, एक एक चीज़ आपको इन्हीं कोर्सेज के अंदर देखने को मिलेगी। और ये एक लौता ऐसा स्मार्ट कोर्स है जहाँ पर एक एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को कवर किया जाता है। अगर आप कूपन यूज़ कर लेंगे माई ड्रीम, तो यहाँ पर आपको 700 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, चाहे CDS और FCAT का कंबाइंड पैकेज है, चाहे CDS के कोर्सेज है OTA IMA के, और चाहे आपका FCAT का कोर्स है। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, हमारे साथ में जुड़ जाइए, और अपना जो भी रिजल्ट है CDS और FCAT का हमारे साथ में शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।